हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपका जान कबड्डी के चैनल पे। तो आज मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अपने क्लब के बारे में जहाँ से मैं खेलता हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो चैनल का नोटिफिकेशन है वो हमारे पुराने सब्सक्राइबर तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, फिर से सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे क्लिक कर दें, तो आपके फ्यूचर में सारे वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाएगा। तो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप लॉकडाउन में लूडो खेलते हो और लूडो खेल करके पैसा कमाना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज करो, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो और ढेर सारा पैसा कमाइए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में टाइम दे रहे हो तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालने का कोशिश करिए, फालतू में टाइम बर्बाद ना करें। धनबाद डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन, तो ये मेरे एसोसिएशन का नाम है जहाँ से मैं कबड्डी खेलता हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ स्टेट में। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये झारखंड स्टेट में है धनबाद डिस्ट्रिक्ट, जो कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से काफ़ी पॉपुलर है। और गैंग ऑफ वासेपुर अगर आपने मूवी देखा है तो ये यहीं की कहानी, जो कि हमारे घर से थोड़ा ही दूर पे है। तो यहाँ के सेक्रेटरी हैं श्री मदन रॉय सर, जो कि हम लोगों को काफ़ी हेल्प करते हैं टेक्निक से रिलेटेड, हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड, और हम लोगों को मोटिवेट करते हुए रहते हैं। तो अभी बात करें हमारे कोच के बारे में, तो यहाँ के कोच मिस्टर रितेश सिंह हैं, जो कि काफ़ी अच्छे कोच हैं और हम लोगों को काफ़ी टेक्निक उन्होंने ही बताया है, और काफ़ी फ्रेंडली हैं वो, काफ़ी फ्रेंडली हैं। हम लोग उन्हें भैया बोल करके बुलाते हैं और वो भी हम लोगों को छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो अब बात करते हैं कोर्ट के बारे में, तो अभी तक यहाँ पर मैट नहीं उपलब्ध हुआ है, इन फ्यूचर होगा। और अभी तक हम लोग मिट्टी पे ही प्रैक्टिस करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो अब बात करें फैसिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे करके, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आपसे कोई फ़ीस नहीं लिया जाएगा, मंथली चार्ज नहीं किया जाएगा, बस एक बार आपको ज्वाइन होने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसका कुछ फ़ीस देना पड़ेगा। और बात करें रूम के बारे में, तो यहाँ पे आपको एसोसिएशन की तरफ से कोई रूम नहीं मिलेगा। बात करें आपके खाने के बारे में, तो यहाँ पे आपको खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्लेयर हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट के जो प्लेयर है वही अपने घर से जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर घर में आ जाते हैं। तो अगर आप बाहर से आते हो और सोचते हो कि यहाँ पे मुझे ये सब फैसिलिटी मिलेगी, रूम, खाना, मेस, तो ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करें अचीवमेंट के बारे में, तो हमारे जितने भी अंडर हैं, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, वो सभी में नेशनल प्लेयर, स्टेट प्लेयर और डिस्ट्रिक्ट प्लेयर सारे मिक्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस हम लोग एक टीम बनाते हैं। तो प्रैक्टिस के समय में हम लोग सभी को खिलाते हैं और जब मैच आता है तो उस समय हम लोग ट्रायल ले करके उसका सलेक्शन करते हैं। तो फाइनल कि नेचर यहाँ का कैसा है लोगों का और कोच का, तो कोच काफ़ी फ्रेंडली हैं, हम लोग उन्हें कोच नहीं भैया बोलते हैं, जो कि हम लोगों को काफ़ी हेल्प करते हैं टेक्निक से रिलेटेड और एक्सरसाइज से रिलेटेड, किस कर सकता है। लेकिन अगर आप कहीं मैच खेलना चाहते हो धनबाद टीम से ट्रायल दे करके, तो आपको धनबाद टीम में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आओ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये था फुल इन्फॉर्मेशन मेरे क्लब के बारे में। तो और लोग भी हैं जो जानना चाहेंगे आपके क्लब के बारे में। तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि अगर आप कहीं पे बहुत अच्छा खेल रहे हो तो वो जगह आपके लिए नहीं है, आप उस जगह को चुनो जहाँ पे आप फिट हो, जहाँ पे आपके लेवल के बंदे खेल रहे हो। तो ये सीरीज़ मैंने इसीलिए चालू किया है ताकि आप अपने टैलेंट को समझिए और आप अपने लेवल को समझिए, फिर समझिए कि आपको कहाँ पे प्रैक्टिस करना है। तो इसी तरह ये हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज़ का। तो इस सीरीज़ में और भी वीडियो आएंगे जो कि आप हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप अगर अपने क्लब के बारे में बताना चाहते हो जान कबड्डी के माध्यम से, नीचे दिए हुए क्वेश्चन को आंसर करिए, जैसे कि मैंने पूछा नेम ऑफ योर एसोसिएशन, सेक्रेटरी, लोकेशन, कोच, कोर्ट, फैसिलिटी, अचीवमेंट, ये सब चीज़ों जो मैंने नीचे पूछा है उन सब चीज़ों का आप आंसर दे करके मुझे
डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उसे मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं और अपने क्लब के बारे में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर इस वीडियो का मोटिव आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिनको धनबाद कबड्डी एसोसिएशन के बारे में ना पता हो उन्हें पता चले, और ऐसे फ्यूचर में वीडियो आते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर कहीं पे डाउट हो धनबाद कबड्डी से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करें। जिस भी क्लब या स्टेट के बारे में आप जानना चाहते हो अगली वीडियो में, उसे भी नीचे कमेंट करें। थैंक यू।